पंचायत सचिवों को शासकीयकरण किए जाने की मांग को लेकर प्रदेश सचिव संघ जिला इकाई द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया। साथ ही पैदल मार्च कर जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर नारेबाजी करते हुए जिलाधीश को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। प्रदेश सचिव संघ के आह्वान पर दुर्ग जिला सचिव संघ ने जिला कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर दुर्ग जिला सचिव संघ के अध्यक्ष महेंद्र साहू ने कहा कि पंचायत सचिव 29 विभागों के 200 प्रकार के कार्य को जमीनी स्तर तक पहुंचाने में अपनी अहम भूमिका अदा करते हैं, जिससे केंद्र और राज्य सरकार की कई महत्वाकांक्षी योजनाएं शामिल हैं। पंचायत सचिवों को शासकीय कर्मचारी का दर्जा देने की मांग ज्ञापन सौंपने के दौरान सैकड़ों की संख्या में पंचायत सचिव मौजूद रहे। इस संबंध में न्यूज़ टीम को महेंद्र साहू ने अपनी प्रतिक्रिया दी। आज वादा निभाव रैली यहाँ तक आए हैं। प्रदेश सचिव संघ के आह्वान में छत्तीसगढ़ के समस्त जिलों में सचिव आंदोलित है, क्योंकि पिछले दिसंबर जनवरी में हम सब 28 दिन के लिए आंदोलन किए थे और माननीय पंचायत मंत्री जी के आश्वासन के बाद, शासकीकरण का आश्वासन मिलने के बाद आंदोलन समाप्त किए थे। माननीय मुख्यमंत्री जी भी सौजन्य मुलाकात हुआ, उन्होंने कहा कि दिसंबर 21 तक आप लोगों को शासकीकरण का लाभ देंगे, परंतु आज तक शासकीकरण का लाभ हम लोगों को नहीं मिला। एक पंचायत सचिव 29 विभाग का काम करता है और 200 प्रकार की योजनाओं को अंतिम छोर की व्यक्ति तक पहुंचाता है। शासन के महत्वाकांक्षी योजना नरवा गरवा घुरवा बाड़ी को हम सब सफल बना रहे हैं। छत्तीसगढ़ शासन पंचायत ग्रामीण विकास विभाग ने 12 पुरस्कार प्राप्त किया है, जिसमें पंचायत सचिवों का महत्वपूर्ण भूमिका है। जब हम काम करते हैं और सरकार को लाभ मिलता है, तो हम सभी को भी शासकीकरण का लाभ मिलना चाहिए। पंचायत सचिव और शिक्षा कर्मी साथ साथ नियुक्ति हुआ एक ही आदेश में, परंतु शिक्षा कर्मी आज शासकीय कर्मचारी कहलाता है और पंचायत कर्मचारी शोषित और पीड़ित है। इसलिए हम सब वादा निभाओ रैली के आज हम सब कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देने आए हैं, और यदि हमारी मांग पूरी नहीं होती तो 9 तारीख को हम सब रायपुर में वृहद आंदोलन करने जा रहे हैं, जिसमें भूख हड़ताल अमरल अनशन विधानसभा का घेराव रहेगा। क्या प्रमुख मांग है? हमारी प्रमुख मांग है परीक्षावधि पश्चात शासकीकरण, एक ही मांग है जो जायज है और सभी सचिव उसमें समर्थन करता है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए नसीम फारूकी की रिपोर्ट।